एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेम्स नेस्ट। ये है वेडिंग ब्लॉग पार्ट टू और नेक्स्ट डे हम लोग जल्दी से तैयार होके और हम लोग आ गए। और देखिए यहाँ पे जो भी रिचुअल्स हो रहा है वो थोड़ा बहुत मैंने लिया है और पिक्स भी खिंचवाए हैं क्योंकि पिक्स खिंचवाना तो बनता ही है। और फिर हम लोग आ गए ब्रेकफास्ट लेने और बहुत ही यमी ब्रेकफास्ट है। तो हम सब ने मिल के बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट किया और ये है डाइनिंग हॉल का सीन। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग थोड़ा इधर उधर सब चले गए घूमने के लिए और घूम फिर के आके फिर हम लोग अपने रूम में रेस्ट ले रहे हैं। और रेस्ट क्या ले रहे हैं, सब मिलके गप मार रहे हैं हम लोग बैठ के। देखिए कुछ लोग लेटे हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं, जिसको जैसा मन जहाँ जगह थोड़ा मिला सब लेट गए बैठ गए और बैठ के बस गप चल रहा है। इतने सालों बाद जो हम लोग मिले थे, बड़ा मज़ा आया सबसे मिल के और गप मार। फ्रेंड्स अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और शाम हो गई और हम लोग धीरे धीरे तैयार होने लगे। और देखिए ये छोटे से दो बच्चियाँ भी तैयार होगी, पंकी और रीमो तैयार होके सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे। फ़ोटो सेशन चलेगा अब। मैं भी तैयार होगी, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ और बाकी सब लोग भी कैसे लग रहे हैं। मैंने स्वर्ण चूड़ी साड़ी पहना है जो कि विष्णुपुर में तैयार होता है। इसके बारे में मैंने एक ब्लॉग भी बनाया था, आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक इट आउट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, यू कैन चेक इट आउट। सब फ्रेंड्स लोग मिलके हम लोगों ने पिक्स लिया क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बाद में बड़ा मज़ा आता है सारे पिक्स को देखने में। और फिर हम लोग वेडिंग हॉल की तरफ बढ़े और देखिए कितना ब्यूटीफुल डेकोरेशंस है। फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी हंड्रेड और मेरा फेसबुक पेज है सेम्स नेस्ट। सारा अरेंजमेंट ओपन स्पेस में किया गया है। ओपन स्पेस में डेकोरेशन करने से और अरेंजमेंट करने से एक फ़ायदा ये होता है कि जितना भी क्राउड हो वो नज़र नहीं आएगा। और ये देखिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और यहाँ पे तो सभी लोगों ने फ़ोटो खिंचवाए, सो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। मैंने भी बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए यहाँ पे। वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ब्यूटीफुल डेकोरेशन है। किनारे में सारे स्टॉल्स लगे हैं खाने के और स्टेज बना हुआ है जहाँ पे जयमाल होगा और बीच में सेंटर में भी एक स्टेज बना हुआ है और वहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगा हुआ है। मैं सभी कुछ आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगी। और सफिशियंट टेबल्स एंड चेयर्स है, राउंड टेबल्स, आप ग्रुप बना के बैठ सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। और हर एक राउंड टेबल पे ऐसे फ्लावर्स से डेकोरेट किया हुआ है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स से। और हम लोग सब बैठ के स्टार्टर्स इन्जॉय कर रहे हैं और गप मार रहे हैं फ्रेंड्स लोग के साथ। और ये है स्टेज जहाँ पे जयमाल होगा
और ये भी एक बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया हुआ है और ऑर्केस्ट्रा भी है, लेकिन कॉपीराइट क्लेम के वजह से मैंने म्यूट रखा है साउंड को। और ये देखिए ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम आ रहे हैं और उनका वेलकम हो रहा है और अभी जयमाल होगा। बेटियां घर की रौनक है, दिल की तमन्ना और मन की खुशी है, जो हमेशा हमारे आसपास अपनी खुशबू बिखेरती रहती है। ये देख के मुझे एक कविता याद आ गई जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। आज फिर उन्हीं गलियों में फेरा है जहाँ कभी मेरा बचपन खेला है, सब कुछ वही है फिर भी कुछ तो कमी है। न वो सखियाँ सहेलियाँ, न वो इत्मीनान, न वो मस्ती, न वो उम्र, न वो सोच, जिंदगी ने करवट ली है, यही तो समय का फेरा है, यही मेरा बचपन खेला है। नया है सफर, नई है मंजिल, नई तमन्नाएं, नई उमंगें, बदली है उम्र, बदल गए जिंदगी के मायने, अब किसी और का बचपन जीना है, कई किस्सों से बनी ये कहानी, सतरंगी जीवन की झांकी है, यही जिंदगी का मेला है, यही मेरा बचपन खेला है। सच में बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है और देखते ही देखते उनकी शादी की उम्र हो जाती है और शादी होके वो चली जाती है अपने ससुराल। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? अगर ऐसा सोचते हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।